सो वेलकम बैक गाइस, एक फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 12वीं का जो विषय आपका रसायन शास्त्र का पेपर है, सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए पूरा पूरा आपका रियल पेपर हमारे पास आ चुका है कक्षा 12वीं का विषय रसायन शास्त्र का। सो गाइस यहाँ पर पूरा पूरा रियल पेपर देखने वाले हैं। सो गाइस यहाँ पर आपको वीडियो के एंड तक बने रहना। चलिए गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से आपके पूरे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। सो गाइस सॉल्यूशन सहित इस वीडियो में जो है आपको पूरा पूरा पेपर प्रोवाइड करा देंगे। सो गाइस जल्दी से आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस जो आपका जीव विज्ञान का हो गया, सो वो भी हमने आपको पूरा पूरा रियल पेपर प्रोवाइड करा दिया था इसी तरह। चलिए अब आपका जो रसायन शास्त्र का जो पेपर देख लेते हैं सॉल्यूशन साइज। सो गाइस जल्दी से आप अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना जो कि 7 नंबर के। पहला है गैसों का द्रव में विलेयता का नियम दिया था, किसने दिया था? यहाँ पर हेनरी ने दिया था। सो गाइस इसके बाद ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद गाइस दूसरा है वह कारक जो विलयन की चालकता को प्रभावित नहीं करता है। सो गाइस इसमें से हो जाएगा इस उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद है तीसरा कैथोड पर होने वाली क्रिया, कैथोड पर होने वाली क्रिया। यहाँ पर तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा बा ऑप्शन हो जाएगा आपका, यहाँ पर अवकरण आपका राइट आंसर। इसके बाद है चौथा रेडियोधर्मी क्षय क्रिया की अभिक्रिया कोटि होती है, कैसी होती है? यहाँ पर होती है प्रथम, यहाँ पर आ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा बॉक्साइड में उपस्थित सामान्य अशुद्धियाँ हैं, जो बॉक्साइड में उपस्थित है सामान्य अशुद्धियाँ हैं, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पर देख लीजिए सामान्य अशुद्धियाँ हैं, इसमें सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है छठवां है संचालक सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, इसमें हो जाएगा लेड, जो संचालक सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ लेड है। इसके बाद सातवां लोहे पर जंग लगने की क्रिया, लोहे पर जंग लगने की क्रिया कैसी होती है? यहाँ पर देख लीजिए इसके ऑप्शन है संचारण। सो गाइस इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा संचारण आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद रिक्त स्थान देख लेते हैं फटाफट, देख लीजिए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है जो कि आपके 7 नंबर के। पहला है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में एन ए आयन की संवयन संख्या है, सो गाइस इसमें कितनी है? 6 है। सो गाइस इसमें 6 भर देना। इसके बाद है फ्रेकेल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व डॉट डॉट हो जाता है, कैसा हो जाता है? अपरिवर्तित हो जाता है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं अपरिवर्तित, यहाँ पर अपरिवर्तित आपका उत्तर हो जाएगा इसका। तो गाइस यहाँ पर अपरिवर्तित आपको लिख देना है इसमें। फिर गाइस तीसरा आ जाता है कांच एक डॉट डॉट द्रव है, कैसा है? जो कांच है वो अक्रिस्टलित द्रव है। सो गाइस यहाँ पर आपको लिख देना है अक्रिस्टलीय द्रव है। सो गाइस यहाँ पर अक्रिस्टलीय द्रव लिख देना है। इसके बाद आ जाता है आपका चौथा किशमिश का फूलने के कारण है, सो गाइस यहाँ पर किशमिश के फूलने के कारण डॉट डॉट होता है, क्या होता है? यहाँ पर हो जाएगा गालक, गालक यहाँ पर लिख देना है आपको, यहाँ पर गालक लिख देना है। इसके बाद है पांचवा हेमटाइट में लोहे के निष्कर्षण नई मई चून का पत्थर, यहाँ पर चूने का जो पत्थर होता है डॉट डॉट का कार्य करता है, किसका? गैंग का। सो गाइस इसमें आपका उत्तर हो जाएगा गैंग, गैंग भर देना है, इसका आंसर आपका गैंग हो जाएगा। इसके बाद छठवां अयस्क में उपस्थित अवंशीय पदार्थ जैसे रेत मिट्टी आदि कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? यहाँ पर जो कहलाते हैं देख लीजिए, यहाँ पर एन स्क्वायर एन पी, यहाँ पर आपको लिख देना है एन पी की घात -1 -6। इसके बाद आ जाता है बॉक्साइड में एलिमिना का सांद्रण विधि से किया जाता है, किसकी विधि से? वेबर विधि से, यहाँ पर देख लेना आपको लिख देना है वेबर की विधि से, यहाँ पर वेबर की विधि लिख देना है आपको। तो इसी आपका जो है उत्तर हो जाएगा। सो इसी आप जल्दी से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आपकी सही जोड़ियाँ को मिलान कर लेते हैं, जो सही जोड़ियाँ इनके जो है हम आंसर बता देते हैं, आपको ध्यान से देख लेना है। तो वही चलिए यहाँ पर पहला है अंतः केंद्रित धनिये जालक। सो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहले का हो जाएगा CSCL, ये पहला आपका यहाँ से मिला देना। दूसरा फ्रेकल दोष, यहाँ पर फ्रेकल दोष हो जाए AGBR, यहाँ पर दूसरा। तीसरा है एंटी फ्रीज, यहाँ पर एंटी फ्रीज आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए केले का माइन। इनके बाद जो है डी ऑप्शन डी क्वेश्चन है, यहाँ पर जिंक अयस्क हो जाएगा आपका चौथा का हेमटाइट। इसके बाद है पाँचवा ये लोहे अयस्क हो जाएगा एनिलीन, यहाँ पर फिर इसके बाद है छठवां है देख लीजिए Cu+ हो जाएगा आपका रंगहीन। इसके बाद सातवां Fe+2, तो इसमें हो जाएगा चार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इसी आपकी सही जोड़ियाँ मिल जाती हैं, जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपकी सही जोड़ियाँ पूरी मिल जाती हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद है एक शब्द वाक्य में उत्तर, वैसे यहाँ पर देख लीजिए एक शब्द वाक्य के उत्तर आप जल्दी से, पहला है ड्रॉइंग की परिभाषा लिखिए, दूसरा है
सूट की दोष के दो उदाहरण, और इसके बाद है SIC किस प्रकार का ठोस है, और PPM की परिभाषा लिखिए, इसमें गालक परिभाषा लिखना है। इसके बाद छठवां है धातु कर्म किसे कहते हैं, इसके बाद है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो इसी आपकी एक वाक्य में हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी, अब प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से जल्द। सो गाइस यहाँ पर जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देखिए पांचवा है एफ केंद्र की परिभाषा दीजिए, अथवा दिया हुआ क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। इसके बाद है इस छठवां हेनरी का नियम लिखिए, अथवा में अणु संख्या गुणधर्म की परिभाषा दीजिए। इसके बाद सातवां भर्जन व निष्पातन में दो अंतर, इसके अथवा में लोहे तांबा के दो दो अयस्कों के नाम व सूत्र लिखना है। इसके बाद है आठवां हेलोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं, कारण लिखना है। इसके बाद यहाँ पर ए अथवा का रहा। इसके बाद है नौवां ZnCd एवं HG को संक्रमण तत्व के गुण व्यक्त क्यों नहीं करते समझाइए। इसके बाद अथवा में संक्रमण तत्व अंतःराक्षसी यौगिक क्यों कहते बनते हैं, कारण बताना है। इसके बाद है आपका दसवां संक्रमण तत्व संकुल यौगिक क्यों बनते हैं, यहाँ पर कारण लिखना है। इसके अथवा में लेंथेनाइड किसे कहते हैं, इनके कितनी श्रेणियाँ हैं। सो गाइस आपको आप इसका जो है अथवा कर देना, दोनों में से एक क्वेश्चन कर देना। इसके बाद ग्यारहवां है 2-chloro-3-methyl-pentane-1-4-dibromate-2N की संरचना बनाना है आपको। इसके बाद अथवा दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फिर फ्लेक स्टाइन अभिक्रिया समीकरण सहित लिखना है आपको। इसके बाद है आपका बारहवां क्वेश्चन ज्वरण नासी औषधि किसे कहते हैं, इसमें दो उदाहरण लिखना है। इसके अथवा में कृत्रिम मधुरक क्या होते हैं, दो उदाहरण लिखना है। इसके बाद गाइस आपका तेरहवां स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं, यहाँ पर उदाहरण भी आपको बताना है। इसके अथवा में आदर्श व अनादर्श विलयन में तीन अंतर। इसके बाद चौदहवां संक्रमण तत्व समांतर रंगीन यौगिक बनते हैं, कारण लिखिए। इसके अथवा में लेंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी में तीन अंतर। तो ऐसे आपके तेरहवां चौदहवां क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंद्रहवां क्वेश्चन, देख लीजिए यहाँ पर पंद्रहवां क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लीजिए क्लोरोबेंजीन की हेलोजनीकरण और नाइट्रोजनीकरण और सल्फोनीकरण और अभिक्रिया के केवल समीकरण लिखिए, इनके आपको समीकरण लिख देना है। इसके अथवा में निम्न अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए, इसको आपको पूरा कर देना है, इसमें आपको तीन नंबर मिल जाएंगे। इसके फिर है सोलहवां निम्न को उदाहरण सहित समझाना है, देख लीजिए इन दोनों को आपको उदाहरण सहित समझाना है। इसके बाद अथवा में दिया हुआ है निम्न को उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद है सत्रहवां क्वेश्चन समूह पत्र जो है 15 के तत्व के हाइड्राइड का व्यवहार निम्न बिंदुओं पर समझाना है, नाम लिखना, सूत्र लिखना और क्षारीय गुण औपचायक गुण और बंध कोण लिखना है आपको। इसके अथवा में दिया हुआ है अंतर हेलोजन यौगिक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण लिखना है। इसके बाद है 18वां क्वेश्चन SN1 और SN2 अभिक्रिया में चार अंतर लिखना है, और अथवा दिया हुआ है एरिल हेलाइड नाभिकीय यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, क्यों, कारण लिखना है। इसके बाद है साबुन व अपमार्जक के में चार अंतर, और अथवा दिए हुए निम्न को उदाहरण सही समझाना है। यहाँ पर देख लीजिए पीड़ा हरी प्रतिजैविक और पूर्तिरोधी यहाँ पर और खाद्य परिरक्षक। सो गाइस इसको आपको जो है कंप्लीट कर लेना है। सो गाइस ये आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरह जो है आपको हमने पूरा पेपर समझा दिया कैसे आपको करना है। और गाइस आप प्रश्नों की बात करें जो इनके प्रश्न हैं और इनके उत्तर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। सो गाइस यहाँ पर जो प्रश्नों के उत्तर रह गए वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तो जल्दी से आप अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।